हेलो एवरीवन। हाय गाइस, हाउ आर यू? You guys can hear me? Everybody should join the class. Let's have a class. Hi, Jishnu. Hi Kumar, hello Omi, how are you? It's a long time you guys haven't. Bahut badhiya. Kaise ho Kumar? Good evening Sonu, how are you? सो गाइज 10 बजे भी हम लोगों की क्लास है। एवरीबडी डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड दैट क्लास। सो हेलो शांभवी, कैसी हो? हाय प्रियंका, हेलो हर्षिता, हाउ आर यू गाइज? Okay, so हेडेक हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। सो गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू दैट वी हैव, दिख रहा होगा आपको, इज दिस फॉर द पैसेज है सीटी के लिए है, ठीक है? नहीं तबीयत तो ठीक है, दैट्स लाइक ओके ओके, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बट हाँ ठीक ठाक है। इट्स नॉट लाइक दैट की। हाय हर्षिता, हाउ आर यू? इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम। सो गाइस अन एकेडमी, जो लोग या आपके फ्रेंड्स या आपके भाई या कोई भी आपके यहाँ होता है ना छोटा भाई, जो क्लाट जो ट्वेल्थ में हो और वो तैयारी कर रहा हो, सो आप ना उसे सिंपल ये स्कैन करने बोल सकते हैं क्यूआर कोड। ये सिंपल एक क्यूआर कोड है, अगर वो ये क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो 7 डे का फ्री ट्रायल उसके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का एक्टिवेट हो जाएगा। यू नो दैट 7 डे का फ्री ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 डे फ्री ट्रायल में क्या होगा कि वो देख सकता है, डेमो देख सकता है, समझ सकता है कि कैसे क्या उसके लिए लॉ एज अ करियर सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सो आई वुड रेकमेंड, मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ उसका, ताकि सारे बच्चे मतलब रेडी रहें। और आप अपने ना छोटे भाई को ये केयर, जो जो लोग यहाँ पे ग्रेजुएटेड हैं वो तो छोटे भाई को दे सकते हैं या बहन को दे सकते हैं अपनी, या अपने आस पास में आप इसको बता सकते हैं कि देखो मैं एक लिंक भी आपको देता हूँ यहाँ पे, लेट मी गिव यू द लिंक एज वेल, ताकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको लिंक देता हूँ, आई थिंक वेयर इज द लिंक, मेरे ख्याल में लिंक शायद पिन होगा यहाँ पे, आपको बस जाके ना इस लिंक पे क्लिक करना है, नथिंग मोर देन दैट। लेट मी गिव यू द लिंक, लिंक शायद था मेरे पास, होगा इधर ही कहीं, रुक जाना एक मिनट। Hmm.
जस्ट वेट करना, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं थोड़ा देर में। जस्ट वेट, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। सो जो बच्चे ये एक्टिवेट फ्री आपको लेके जो क्लास 12th में, हेलो हेलो केशव, ये लिंक से भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो फ्री ट्रायल है ना, ये आप देखेंगे तो ये लिंक से भी एक्टिवेट हो जाएगा तुरंत। बस आपने क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप है। स्टेप क्या है कि आपने पहले स्कैन करना है क्यूआर कोड, फिर जो नंबर है आपके पास वो नंबर रजिस्टर करना है, उससे आपके पास ओटीपी जाएगा और फिर ओटीपी के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं। 7 डे का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। आपको एज ए लॉग करियर आप देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट है कि नहीं, देन ओनली दिस विल हेल्प यू, है ना। और फिर आपको अगर सही लगेगा तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इट्स लाइक दैट, ठीक है। चलिए, सेकेंडली गाइस, ऑल इंडिया एमएचसीटी लॉ मॉक टेस्ट भी शुरू हो रहा है, तो आप लॉ का फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो इफ यू वांट टू गिव दैट, है ना। हाँ, तो अगर आपको सही लगे तो आप ये भी दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है, स्कैन करना है क्यूआर कोड। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो अपने आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपने करना था। 30 गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ हमारे लर्नर्स हैं जिन्होंने, कुछ नहीं, बहुत लर्नर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एनएलयू बहुत अच्छे, बहुत बच्चों का एनएलयू एडमिट्स हुआ है इस बार, तो आई गेस आपका भी हो सकता है। फिर गाइज, एक मेरा बैच आ रहा है एवरीवन, दिस कॉल्ड एस लीगल बैच। एंड ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो इससे बेटर बैच जो है उसके पास नहीं हो सकता है। वो मार्च 2, 2023 से शुरू होगा। सत श्री अकाल, कोई कुछ हेल्प या मेरी फ्रेंड का भी क्लैट का नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? लिंक तो दिया हुआ है। एक्सेस टू 50 लाइव मॉक टेस्ट, 100 आवर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, मंथली सीएनजी के कंपोडियम आपको मिल जाएगा। एंड दीज आर द मींस एजुकेटर्स जो आपको गाइड करेंगे। इज इट राइट? हेमू, मेरे से बात करना तुम, ठीक है? हैव अ वर्ड विद मी। अच्छा, इन एलिजिबल हो तो उसको क्या क्लैट का सब्सक्रिप्शन लेना है हेमू? सो गाइस, आज का जो शॉर्ट पैसेज पे डिस्कशन चलेगा उसको क्लैट का सब्सक्रिप्शन लेना है क्या? वो इस बेसिस पे चलेगा, ठीक है। दिस इज फॉर आप इसको रीड आउट करिए, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन दूंगा एंड यू नीड टू आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज। आई गेस पहले एक बार कंफर्म करो कि सभी को पैसेज विजिबल है। दिस इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट इफ यू गाइज आर गेटिंग दिस पैसेज इज विजिबल टू एवरीवन। आज का टॉपिक सीमैट के लिए भी, आज का टॉपिक सीमैट के लिए करंट अफेयर्स है। आई हैव फिटबुल्स एलआर सेक्शन वाज अबव मॉडरेट लेवल। यप, कोई बात नहीं, वी विल सी दैट। अभी वाला पैसेज बेस्ड होगा, मोर ओवर अभी वाला पैसेज बेस्ड होगा। Come on, you need to read the passage. तो मॉक वाला कितने का है वो? Everyone is reading this. ओके, एवरीवन इज रीडिंग दिस। ये बताओ सारे बच्चे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? यू गाइज आर रीडिंग दिस और नॉट? डन डन, जिष्णु का हो गया। एनीवन एल्स? इज देयर एनीवन एल्स हु इज रीडिंग इट? सो बेसिकली व्हाट वी कैन से अबाउट दिस पैसेज, इस पैसेज के बारे में अपन क्या कह सकते हैं आपका? ओके, What we can say about this passage? This is based on human मतलब नहीं, ये passage किस चीज के बारे में है?
क्या इंसान की क्रुएलिटी के बारे में है कि सर इंसान बहुत ज्यादा क्रुएल हो गया है, इज इट लाइक दैट? और कुछ अदर हम बोल सकते हैं? नो, देन व्हाट? देन व्हाट जिष्णु? सेल्फिश नेचर, ओके, सेल्फिश नेचर कह रहे हैं कोई बच्चे। द पोस्टमार्टम रिवील दैट द पंचतंत्र वाज प्रेग्नेंट एंड द इशू ऑफ द पंचतंत्र ट्रेजिक डेथ केम टू लाइट आफ्टर मोहन कृष्णा फॉरेस्ट ऑफिसर पोस्टेड एन इमोशनल नोट ऑन हिज फेसबुक पेज नरेटिंग द डेथ ऑफ द एलिफेंट इन द वाटर्स ऑफ द बेलियार रिवर। हर जॉ वॉज ब्रोकन। क्या कह सकते हो? ह्यूमन क्रुएलिटी रियली फेल्ट इन टू द एक्ट ऑफ ह्यूमन क्रुएलिटी आफ्टर पाइनएप्पल फील्ड। अच्छा, पाइनएप्पल गिर जाता है। ओके, दैट्स आई कैन सी नाउ। बट और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? बट आई थिंक दैट कि अगर घुमा फिर आगे देखा जाए तो ये तो क्रुएलिटी ह्यूमन क्रुएलिटी पे ही आ जा रहा है ना, बिकॉज वो पाइनएप्पल गिरा होगा उसी पर्पज से। इज इट राइट? क्या अपन कह सकते हैं ना, अगर घुमा फिर आगे देखा जाए तो जो पाइनएप्पल गिरा है वो तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की ही गलती है। क्या बोलते हो तुम लोग? अगर इंसान की गलती नहीं होती तो होता है ना, आजकल हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फिर हम लोग इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये सब में इसका इसका कारण एक ना एक तो आ जाता है। हाँ, तुम्हारा भी सही है। हाँ, तुम्हारा भी सही है। तो होता है ना कि कई बार हम जो जितनी गलतियां करते हैं, जो भी गलतियां हम कर रहे हैं, उसमें हमें ये बेसिकली विजिबल है, दिख रहा है हमें कि हाँ सर ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वी कैन सी दिस। इज इट राइट एवरी वन इन द क्लास? एग्री करते हो आप लोग? क्योंकि यार डिफोरेस्टेशन भी तो इसी कारण हो रहा है। क्योंकि यार अगर डिफॉरेस्टेशन भी तो इसी कारण हो रहा है, वरना होता ही नहीं। द बेसिक एजेंडा ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज दैट ओनली, यही है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रीजन इज सेम एज इन केस ऑफ किलिंग ऑफ एलिफेंट मेंशन इन द पैराग्राफ। कम ऑन, इनमें से कौन सा केस में किलिंग ऑफ द एलिफेंट सेम नजर आ रहा है आपको? किलिंग ऑफ द एलिफेंट ना आपको सेम नजर आ रहा है। बताइए, रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। यू विल रीड इट, सही तरीके में समझ में आएगा। कम ऑन, रीड दिस। ओके, केशव, जिष्णु एंड एवरीवन इन द क्लास, हाय सर, हाउज योर डे? कोई बात नहीं, इट्स ओके। कैन यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ताऊजी? कैन यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट? डन, ओके, दैट्स फाइन। देन कम ऑन, आई विल गिव यू द पोल फॉर दिस क्वेश्चन। रीड इट। ऑप्शन नंबर ए होगा, टू होगा, सॉरी बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा? दैट वुड बी द पॉइंट। अरे बिल्कुल भैया, पोल देंगे आपको। एवरीवन, दैट्स द पॉइंट कि अभी ना कमेंट सेक्शन के ऊपर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ये फ्री ट्रायल है, समझ में आ रहा है? अनअकैडमी का फ्री ट्रायल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कोड का लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आपसे वो सीधा लॉगिन पूछेगा। लॉगिन करके आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं।
ओके, आई एम गिविंग यू द पोल गाइस, 60 सेकेंड्स का पोल दे रहा हूं आपको. नोबडी इज राइट नाउ, नोबडी इज राइट. सो केशव शांभवी रिद्धि, ये लोग सही हैं. डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. ओके, दैट्स करेक्ट. एक मिनट, हेलो हनी, हाउ आर यू? सो गाइज, इफ आई गो फॉर ऑप्शन नंबर सी, वाई सी वॉज रॉन्ग. पहले क्वेश्चन क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रीजन इज सेम एज इन द केस ऑफ किलिंग ऑफ द एलिफेंट मेंशन इन द पैराग्राफ. रीजन सेम होना चाहिए. अब देखो, सेम कहने का मतलब हो सकता है कि रियल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब उससे मिलता जुलता हो. पॉइंट इज दैट कि उससे मिलता जुलता हो, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं. Tens of thousands of pangolin are poached every year, killed for their scales. नहीं, ये थोड़ा commercial use के लिए है, so this would not be the correct answer. तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. In 2010, a study led by the World Wide Fund for Nature projected that a sea level rise. Again, कोई ऐसा बात नहीं है. Now, while the government did not provide any number of deaths caused by other big cats, conflict with leopard have become so common that the villagers regularly mount hunting parties when one venture near their homes, threatening children and livestock. So, this could be, hold pe dalenge isko, milta julta kuch samajh mein aa raha hai. As the human population in China, no. So guys, somehow C would be the correct answer. मेरे पास कोई चांस ही नहीं है ना बाकी पकड़ने को. Is it right? C ही सही होगा ना, मेरे पास बाकी तो कोई चांस है नहीं इसको सही करने का. I hope you all are getting this. I hope आप सभी को समझ में आ रहा है. Read the passage. देखो पैसेज क्या है. Passage basically है, pregnant wild elephant in Kerala's Silent Valley forest fell in victims to an act of human cruelty. अब आपको ये समझ में आएगा, इंसान आखिर ये काम कर क्यों रहा है, right? After a pineapple filled with powerful crackers offered by a man exploded in her mouth. तो उसको इंसान basically भगाना चाह रहा है ना. और तुम लोगों को समझ में आता है कि elephants को जब खेतों से भगाया जाता है तो साउंड बहुत ज्यादा काम में आता है. देखा तुमने, फायरिंग करते हैं, वो फायरिंग की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में भागती हैं. आई गेस आप लोगों ने देखा होगा, राइट, सुना होगा, देखा तो नहीं होगा. हर जॉ वॉज ब्रोकन एंड शी वॉज अनेबल टू ईट आफ्टर शी च्यूड द पाइनएप्पल एंड इट्स एंड द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द फ्रिंज एरियाज ऑफ साइलेंट वैली इन अडापड़ी केरला एंड द पोस्टमार्टम रिवील्ड दैट द Panchayat was pregnant and the issue of the Panchayatan tragic death came to light after Mohan Krishna, a forest officer, posted emotional note on his Facebook page. तो ये सब तब हुआ जब उसने इसको पोस्ट किया Facebook पेज पे. I hope is it clear now? सभी कोई को क्लियर है? Everyone? चलिए. What is the reason for growing number of wild animals conflict? क्या reason है?
एनीवन, कोई बच्चा? नहीं, अभी आंसर मत दो, आई विल गिव यू द पोल. हो सकता है ताऊ जी गलत हो, गाइस. डू नॉट फॉलो एनी एनी आंसर्स. हाँ जी, ABC. सो देखो, डी ले लो, नन ऑफ दीज. ठीक है, सभी का गलत है. एनी सजेशन इफ यू वॉन्ट. मोहित एंड अनुप्रिया, ओनली आंसरिंग. एक्सप्लेन प्लीज. नहीं, मैंने पोल गलत दिया था. आई थिंक पोल वुड बी दिस वन. मैंने पोल गलत दिया था. हेमू, तुमने किसका कोड यूज किया? So, अब मुझे भी नहीं समझ में आया. हाय सृष्टि, हाउ आर यू? तो देखो, बेसिकली ना यहाँ पे कंफ्यूजन था. कंफ्यूजन ये था कि लॉस ऑफ फ्री कॉरिडोर्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स रोमिंग ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ, हेलो हिमू, बिल्डिंग ऑफ ट्रेन लाइंस एंड फैक्ट्रीज, दिस कुड बी द पॉसिबल रीजन. लेकिन यार, स्टोन पेल्टिंग की वजह से किसी का डेथ हो जाए? यार, एनिमल इतना थोड़ी है यार कि स्टोन पेल्टिंग की वजह से किसी का डेथ हो जाएगा. कभी पास पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या कि स्टोन स्टोन पेल्टिंग की वजह से किसी का डेथ हो जाए? मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, मैं नहीं कह सकता, मतलब अकॉर्डिंग टू मी आई वुड नॉट से दैट कि स्टोन पेल्टिंग है. सो दैट्स व्हाई समहाउ मैंने ऑप्शन नंबर 3 इसका इसीलिए आंसर दिया था. करेक्ट है, समहाउ मैंने इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया था. एक बार कंफर्म करो. ये एक पैसेज है गाइस, इस पे दो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे.
अरे वाह, बहुत जल्दी ताऊ जी, वेरी फास्ट। ओके डन। तो बेसिकली ये किस चीज के बारे में है? मेनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट प्रोस्टिट्यूशन शुड बी लीगलाइज्ड एंड इट वुड बी रिड्यूस क्राइम, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, हेल्प पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, गेट प्रोस्टिट्यूट ऑफ द स्ट्रीट एंड अलाउ कंसेंटिंग अडल्ट्स टू मेक देयर ओन चॉइसेस। दे कंटेंटेड दैट प्रोस्टिट्यूशन इज विक्टिमलेस क्राइम एंड हैज बीन विटनेस्ड इन प्लेस इट हैज ऑलरेडी बीन मेड लीगल, राइट? आई थिंक ये काफी ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है और ऐसे टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा आपको एक एक अवेयरनेस सा भी आता है समाज में। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू स्ट्रेंथन द गिवन आर्ग्यूमेंट। पैसेज, इतना छोटा पैसेज जब बार बार देखोगे तुम लोग। अभी फिर एक क्लास है गाइस करंट अफेयर्स की, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो पैसेज तो छोटा सा है, कितना पढ़ने में टाइम लगेगा। छोटू सा पैसेज है, कितना पढ़ने में टाइम लगेगा बोलो। बोल दे रहे मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। That's really great. थिंक कोई डाउट नहीं है, समझा दें। देखो, अगर ऐसा काम होता है, स्टडीज अगर लीगलाइज कर दिया जाए तो सही बात है, ये रेप का जो रेट है वो कम कर देगा, सेक्सुअल असॉल्ट कम हो जाएगा, ऑल्सो सेक्स वर्सेस वर्कर्स आर बेटर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अब्यूज। उनको अब्यूज करने से जो समाज में उनको इज्जत नहीं मिल रहा है उनको इज्जत मिल जाएगा, ट्रैफिकिंग कम होगा, है ना? तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी ना, समझ आ रहा है? क्लियर है?
चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट अलाउ कंसेंटिंग अडल्ट टू मेक देयर ओन चॉइसेस डज नॉट फॉलो, उनका अपना चॉइस जो है वो डज नॉट फॉलो हो जा रहा है। बिल्कुल बोल देंगे, चिंता मत करिए। देखिए दिया है पोल, बहुत सही। स्टडी का फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन, अ सेट ऑफ टू क्वेश्चंस, रीड द पैसेज। हाँ, ये किस चीज के बारे में है, अबाउट वॉट? बेनिफिट्स ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट द व्यू दैट कॉलेज एजुकेशन इज वर्थ इट, वर्थ इट। बोल देते हैं
लेकिन ये काफी अच्छा है, पता है, मतलब ये पैसेज मुझे पर्सनल लेवल पे काफी अच्छा लगा है। वेरी गुड, बहुत ज्यादा लॉजिकल पैसेज है। पैसेज ये खुद में देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है। डेप्थ फ्रॉम कॉलेज लोन्स इज टू हाई एंड डिलेज ग्रेजुएट फ्रॉम सेविंग फॉर रिटायरमेंट बाइंग हाउसेज फॉर गेटिंग मैरिड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। दस बजे है बोल दें इसका, शुड आई गिव द पोल? बताइए, बोल दें केशव। आई एम गिविंग द पोल। शाम भी बहुत सही कर रही है। सॉरी सॉरी, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्लास 10 बजे है, 10 बजे ज्वाइन मी एट 10, बोल तो रहा हूं। सेट ऑफ टू क्वेश्चंस, कम ऑन। ओके कराते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। प्लीज रीड दिस। डन। ये पहले ये बताओ पैसेज किस चीज के बारे में, जिसनु दिस पैसेज बिलोंग्स टू। केशव ऑल्सो फाइन। ओ इसका क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, वी डोंट हैव क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट। पोपट हो गया, इसका क्वेश्चन नहीं है। क्या करें फिर, कोई बात नहीं, हम लोग ये बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा एक अगेन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि मैंने ना ये फ्री ट्रायल का लिंक ऊपर कमेंट सेक्शन में दिया है, पता आपको? कमेंट सेक्शन में ना फ्री ट्रायल का लिंक लिंक दिया है, देख लो आप। सी गाइस, कमेंट सेक्शन में ऊपर में मैंने पिन किया हुआ है फ्री ट्रायल का लिंक। 7 डे का फ्री ट्रायल है, स्कैन करो क्यूआर कोड, रजिस्टर करो, क्लैट एग्जाम एज योर गोल, एंटर करो कोड, एक्टिवेट हो जाएगा, एनरोल टू एनी बैच एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस करो एंड देन से दैट इजंट दिस इज यू वांट टू गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और नॉट। सेकेंडली गाइज, एक बैच है कॉल्ड एस लीगल बैच, दिस इज अ बैच नोन एज एस लीगल बैच, सो यू कैन फॉलो दिस बैच, आई थिंक दिस विल हेल्प यू। राइट, बिगिनर्स बैच फॉर क्लैट 2025, लैंग्वेज इंग्लिश मार्च 2 टू 2023, 50 लाइव मॉक टेस्ट, 100 आवर्स ऑफ रिविजन। सर नाउ 10 PM, या 10:00, नॉट या 10, मंथली सी ए एंड जीके कंपोडियम, एंड एनरोल नाउ फॉर दिस। राइट, यू कैन जस्ट एनरोल, आप एनरोल कर सकते हो इसके ऊपर इफ यू वॉन्ट टू एनरोल। ओके एवरीवन, अब मिलते हैं आपसे 10 बजे, जहां पे मैं इकोनॉमिक अवेयरनेस पूछूंगा, इकोनॉमिक अवेयरनेस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे। राइट, आई होप यू गाइज हैव रियली एंजॉयड द क्लास, इज इट राइट एवरीवन? आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आया होगा। टिल देन बाय गाइज, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।